हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टडी द शॉर्टकट मेथड फॉर फाइंडिंग द क्यूब ऑफ ए टू डिजिट नंबर। इस मेथड में क्या करेंगे, हम टू डिजिट का कोई भी नंबर होगा उसका हम क्यूब फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए इसमें एक आइडेंटिटी यूज होती है, ए प्लस बी होल क्यूब। ए प्लस बी होल क्यूब, ये आइडेंटिटी होती है ए क्यूब। ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर, थ्री ये ए स्क्वायर एंड बी सिंगल, प्लस फिर थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इसको हम कॉलम में रख करके तब हम इस टू डिजिट नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब हम वो देखते हैं वो किस टाइप से करेंगे हम। तो इसमें है 29 का क्यूब, इसमें टू डिजिट हैं 1 और 2। इसका हमें क्यूब निकालना है शॉर्टकट मेथड से। ठीक है, इसको हम कॉलम मेथड भी बोल सकते हैं। कौन सा मेथड? कॉलम मेथड और शॉर्टकट मेथड क्यूब फाइंड आउट करने का। तो इसमें क्या होगा, वेयर ए क्या हो गया हमारा 2 और बी क्या हो गया हमारा 9। ठीक है, अब हम यही वाला फॉर्मूला हम इसको लिखते हैं यहां पर, ए क्यूब फिर 3 ए स्क्वायर बी, फिर 3 ए बी स्क्वायर और फिर बी क्यूब। अब हमने इस फॉर्मूले को अपने कॉलम में सेट कर लिया। अब इसी के बेस से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। ए की वैल्यू क्या थी हमारी 2, तो यहां रखेंगे हम 2 क्यूब। 3 ए की वैल्यू हो गई हमारी 2 स्क्वायर और बी की वैल्यू हो गई हमारी 9, फिर 3 इंटू ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू हो गई हमारी 9 स्क्वायर, फिर बी की वैल्यू हमारी 9 क्यूब। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये आ गया हमारा 2 2 जा 4 2 जा 8। फिर इसको सॉल्व करते हैं, 3 2 2 जा 4 और ये 9, तो 9 4 जा 36, 36 3 जा 108। ठीक है, अब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 जा 6 और 9 9 जा 81। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 4, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 6 1 जा 6, 6 8 जा 48। ठीक है, 4 8 6। अब 9 की 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 9 इंटू 9 इंटू 9, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 9 9 81, 81 में 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 729। अब हम क्या करते हैं, इसमें फर्स्ट डिजिट को अंडरलाइन कर देते हैं। इस साइड से करना शुरू करते हैं, फर्स्ट डिजिट को क्या करा, अंडरलाइन। उसके बाद जो बाकी का बचेगा ये उसको, ये बाकी का हमारा कितना बचा 72, इसको हम यहां नेक्स्ट वाले कॉलम में शिफ्ट करेंगे और इसको प्लस करेंगे इसके साथ। ठीक है, ये जो आया था हमारा, तो हमने इसमें प्लस किया 6 और 2 8, और 8 और 7 कितना हो गया हमारा 15 का 5, कैरी 1 4 और 1 5। ठीक है, तो हमने इसका भी फर्स्ट डिजिट अंडरलाइन कर लिया। सभी का फर्स्ट डिजिट अंडरलाइन करते हुए चलते हैं, इसका भी फर्स्ट डिजिट अंडरलाइन कर लिया, और जो बाकी का जो बचा 55 इसको हम ले गए नेक्स्ट वाले कॉलम में प्लस करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वाले कॉलम में प्लस करने के लिए, तो ये क्या था हमारा 55। अब हम इस 55 को इसमें प्लस करेंगे तो 5 8 5 और 8 13 का 3, ठीक, कैरी 1, तो कितना आ गया 5 और 1 6। ठीक है, और ये 1। अब हम इसका भी फर्स्ट डिजिट अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, ये हमारे आंसर आते जा रहे हैं। अब उसके बाद हमारा क्या बचा 16। अब हम 16 को लेकर जाते हैं नेक्स्ट कॉलम में और वहां पर हम इसको अब क्या करेंगे प्लस। तो जब हम इसको यहां प्लस करेंगे 16 और 8 हमारा कितना हो जाएगा 24। अब लास्ट में जो नंबर बचता है, लास्ट में जो भी नंबर बचते हैं हमारे, वो दोनों अंडरलाइन होते हैं, 2 हो 2 हो जाएंगे, 3 हो 3 हो जाएंगे। ठीक है, लास्ट वाला, ये लास्ट का कॉलम होता है, इधर से अंडरलाइन करते हुए चल रहे हैं हम, और ये लास्ट का कॉलम होता है, इसमें जितने भी डिजिट होंगे वो सारे ही अंडरलाइन होंगे।
इसके बाद हम इसका आंसर लिखते हैं 29 का क्यू। आंसर क्या आ गया, ये लिखना शुरू करते हैं इधर से 24, 3, 8 और 9। तो इस तरीके से हम टू डिजिट का शॉर्टकट मेथड से क्यूब फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा कौन सा मेथड है, शॉर्टकट मेथड फॉर फाइंडिंग द क्यूब ऑफ टू डिजिट नंबर। इसमें टू डिजिट्स के नंबर का ही हम क्यूब फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसी टाइप का, 71। तो 71 के लिए हम क्या करेंगे, 71 में क्या हो गया हमारा, ए तो हो गया हमारा 7। इस वाले डिजिट को मानते हैं ए और इस वाले डिजिट को मानते हैं बी। तो 7 क्या हो गया हमारा, ए। ठीक है, और 1 क्या हो गया हमारा, बी। ठीक, अब हम इसको वही फॉर्मूला लिखेंगे, ए क्यू। ठीक है, सेकंड नंबर था हमारा 3a² b। अब इसके बाद तीसरा है 3ab² ठीक, और उसके बाद है हमारा बी क्यू। तो ये हमने फॉर्मूला लिख लिया, ये फॉर्मूला आपको याद करना है तभी आपका इसमें कॉलम मेथड से आप फाइंड आउट कर पाएंगे। फॉर्मूला क्या है, ए क्यू 3a² b 3ab² और फिर बी क्यू। अब यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट करते हैं, तो ये देखिए ए की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 की पावर 3। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया 3 × 7² बी आ गया हमारा 1, 3 × a की वैल्यू आ गई 7, बी की वैल्यू आ गई 1² और यहाँ पर बी क्यू है तो ये भी हो गया 1 की क्यू। तो हमने क्या किया है, इसमें सब में हमने क्या कर लिया है, इसमें सबकी वैल्यू लिखी है। ठीक है, ए की वैल्यू 7 और बी की वैल्यू 1। अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, 7 × 7 × 7। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 7 = 49, 49 × 7। जब हम 49 में 7 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 343। ठीक, अब इसके बाद हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 7 = 49 × 1। तो 1 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 3 आ जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई इसमें 49 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 × 9 = 27, 2 बचे, 3 × 4 = 12 और 2 = 14। ठीक है, अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 7 = 21, 1 × 1 = 1, तो ये आ गया 21। ठीक है, अब इसके बाद हमारा है 1 की हम 3 टाइम भी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आता है हमारा, 1 ही आएगा। क्या आएगा, 1। अब हमें अंडरलाइन किस साइड से करना शुरू करना है, ये तो हमारा सिंपली मल्टीप्लाई करके हमने इसको सॉल्व कर लिया है, अभी क्या करना है, इसका आंसर भी लाना है। तो आंसर लाने के लिए क्या करेंगे हम, अब अंडरलाइन करना स्टार्ट करेंगे और इस साइड से करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हमने अंडरलाइन करा फर्स्ट डिजिट को, इसमें कुछ भी रिमाइंडर नहीं था, ऊपर वाले में हमारा रिमाइंडर आया था ना, यहाँ पर 72 तो हम यहाँ ले गए थे, लेकिन इसमें हमारा रिमाइंडर ही नहीं आया है, 1 आया है, तो 1 को केवल अंडरलाइन कर देंगे और नेक्स्ट कॉलम में कुछ भी शिफ्ट नहीं करेंगे। ठीक है, कुछ भी ट्रांसफर नहीं करेंगे। अब इसमें भी ऐसे ही करेंगे, फर्स्ट डिजिट को अंडरलाइन कर दिया, 1 को अंडरलाइन कर दिया और ये क्या बचा, रिमाइंडर 2, इस 2 को हम कहां ले आएंगे, यहां पर नेक्स्ट कॉलम में, तो यहां के ऊपर क्या कर देंगे, इसको प्लस, तो इसको प्लस करेंगे, 7 और 2 9 और 4 और ये 1। अब हमने क्या करा, 9 को अंडरलाइन कर दिया, फर्स्ट डिजिट को क्या कर दिया हमने, अंडरलाइन। अब क्या बचा हमारा, 14, क्या बचा, 14, 14 को ले गए हम नेक्स्ट कॉलम में, अब यहां पर प्लस कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट कॉलम में ट्रांसफर करते चले जाते हैं, तो अब ये हमारा आ गया नेक्स्ट कॉलम में 14। तो हमने जब इसको प्लस किया तो ये आ गया 3 और 4 7 और 4 और 1 5 और ये आ गया हमारा 3। मैंने बताया था जो लास्ट का कॉलम होता है उसमें जितने भी डिजिट आते हैं वो सभी अंडरलाइन किए जाते हैं, ये नहीं है कि केवल एक को करेंगे, इसमें जितने भी डिजिट आएंगे वो सारे के सारे हमारे अंडरलाइन हो जाएंगे, तो इसलिए इसको हमने सब अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, तो जितने भी अंडरलाइन वाले हैं वो सभी हमारे आंसर में आते जाएंगे। देखिए, इसका 71 का क्यू है,
तो 71 का क्यू का हम आंसर लिखेंगे, तो यहां से क्या आया 357, ठीक है। अब यहां सेकंड वाले कॉलम से क्या था हमारा 9, इस वाले कॉलम से क्या ले लिया 1, केवल अंडरलाइन वाले लेने हैं बाकी को नहीं लेना। फिर यहां से क्या आया 1, तो इस तरीके से 71 का क्यू क्या आ गया हमारा 357911, मींस क्या हो गया 357,911, ये क्या आ गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से हम शॉर्टकट मेथड के थ्रू 2 डिजिट का क्यूब फाइंड आउट कर सकते हैं। ये क्या निकाले हैं हमने, क्यूब, ये क्या निकाले हैं हम, क्यूब रूट, क्यूब। अब हम देखते हैं क्यूब रूट, क्यूब रूट की डिफाइन, ठीक है। तो हमारा इसमें है क्यूब रूट की डिफाइन, द क्यूब रूट ऑफ ए नंबर, किसी नंबर का क्यूब रूट, सपोज करिए वो नंबर x है, x इज दैट नंबर हुज क्यूब गिव्स x, मीन्स ये हो गया कि किसी नंबर का क्यूब, किसी नंबर का क्यूब, उस क्यूब का क्यूब रूट होता है, उस क्यूब का क्यूब रूट होता है। कैसे, अब देखिए यहां रूट थ्री एट, और इसको शो कैसे करते हैं हम क्यूब रूट को, इसका साइन होता है ये लग करके मार्क और ये थ्री लगा दिया जाता है, तो ये क्यूब रूट का साइन होता है, किसका साइन होता है, क्यूब रूट का। अब यहां पर देखिए हम एग्जांपल में देखते हैं क्यूब रूट एट, क्यूब रूट एट, अब हम एट के फैक्टर करेंगे तो एट के फैक्टर क्या आएंगे, ये तो क्यूब रूट का मार्क लगा दिया, 2 × 2 × 2, इसमें क्या बनाया जाता है क्यूब का है इसलिए ट्रिपलेट बनाया जाता है, तीन का पेयर बनाते हैं, ठीक है, किसका पेयर बनाते हैं तीन का, और उस तीन में से एक डिजिट को निकाल लिया जाता है वही आंसर होता है। तो ये क्या हो गया, ये तो हो गया क्यूब रूट, क्या आ गया ये क्यूब रूट, किसका क्यूब रूट है ये एट का, किसका क्यूब रूट है ये एट का, एट का क्यूब रूट हो गया 2, और 2 का क्यूब क्या है 8, और 2 का क्यूब क्या बोलेंगे 8, तो ये दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, 8 तो कहलाएगा 2 का क्यूब और 2 क्या कहलाएगा 8 का क्यूब रूट, ठीक है। अब हम इसके कुछ आंसर क्वेश्चंस देखते हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो इसका हमारा है, अब हमारे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्यूब रूट, ये क्यूब रूट का मार्क हो गया, ठीक है, 216 इज इक्वल टू, ये क्यूब रूट का मार्क। अब हम इसका क्या निकालते हैं, फैक्टर निकालेंगे, किसके 216 के फैक्टर निकालेंगे, तो फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 से 2 × 1 = 2, 0 × 2 = 16, फिर 2 से जाएगा 54, फिर 2 से करेंगे 2 × 2 = 4, 2 × 7 = 14, फिर 3 से जाएगा 3×9 = 27, 3×3 = 9, 3×1 = 3, तो इस तरीके से क्या निकाल लिया हमने, फैक्टर। अब इन सभी फैक्टर्स को यहां लिखेंगे 2 × 2 × 2, फिर 3 × 3 × 3, ये सारे फैक्टर लिख लिए। अब ये क्योंकि क्यूब रूट है तो क्यूब रूट में ट्रिपलेट बनाया जाता है, ट्रिपलेट मीन्स तीन तीन का ग्रुप, ट्रिपलेट मीन्स तीन तीन का ग्रुप, तो हम तीन का ग्रुप बनाएंगे, ये बन गया 3 का और ये भी बन गया 3 का, ठीक है। तो इसलिए क्या हो गया, ये क्यूब रूट 2³ और 3³, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, सभी में से हम सिंगल सिंगल निकाल लेते हैं और ये हमारे कैंसिल हो गए होते हैं, तो इस 2 में के क्यू में से भी सिंगल 2 ले लिया और इस 3 क्यू में से भी सिंगल 3 ले लिया, और ये साइन हमारा हट जाता है क्योंकि ये क्यूब से कट जाता है, तो इसलिए ये साइन हमारा हट जाता है, तो 2³ = 6, तो 216 का क्यूब रूट कितना हो गया हमारा, 6 हो गया। हमने क्या किया, इसमें क्यूब रूट लिया, उसके फैक्टर निकाले, फैक्टर सारे यहां लिख दिए, सभी का ट्रिपलेट बना दिया तीन तीन का, और सभी तीन को पेयर उसमें लिख दिया हमने पावर्स में, 2³, 3, 3³, और ये हमारा क्यूब रूट का साइन है। अब इस पावर को हटा देते हैं और ये क्यूब रूट का साइन भी हट जाता है, और हर एक नंबर में से एक एक डिजिट ले लेते हैं, 2 आ गया और यहां से 3 आ गया, अब इसकी मल्टीप्लाई कर दी, 2³ = 6, तो 6 क्या हो गया हमारा, क्यूब रूट 216 का, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारे प्लस वाला,
अब हम एक देखते हैं माइनस का, कौन सा माइनस का, क्वेश्चन नंबर फोर। इसमें देखिए हमारे माइनस का, तो माइनस क्या है इसमें, क्यूब रूट माइनस 1000। इस टाइप के क्वेश्चंस भी होते हैं, ये माइनस होता है ना, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले माइनस को बाहर ले लेते हैं, सही है, सबसे पहले माइनस को बाहर शिफ्ट कर लेते हैं और क्यूब रूट का साइन लगा करके तब डिजिट को लिख दिया जाता है। अब ये सिंपल प्लस में हो गई और साइन ले लिया बाहर हमने, ठीक है। अब हम 1000 के क्या निकालेंगे, फैक्टर। अब हम 1000 के फैक्टर निकालेंगे, तो 1000 के फैक्टर निकालना है हम, 2 से काटा, 2 5 जा 10 0, 2 से गया 250 टाइम, फिर 2 से काटा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, फिर 3, अब काटेंगे 5 से, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब ये क्या ले लिया हमने, फैक्टर, किसके हैं ये हैं 1000 के फैक्टर्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स को यहां लिखेंगे सबको क्यूब रूट का साइन लगाकर, 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 5 इंटू 5 इंटू 5। अब क्या कर रहे हैं हम इसके बाद, इसमें याद होगा आपको हमने क्या किया था, इसमें ट्रिपलेट बनाए थे, ये 3 का ट्रिपलेट बन गया और ये भी 3 का ट्रिपलेट बन गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसके माइनस चलता रहेगा साथ में, ये 2 की पावर 3 आ गया और ये भी 5 की पावर 3 आ गया, हम इसे क्यू भी बोल सकते हैं, 2q और 5q, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने क्या किया था, वहां से सिंगल सिंगल डिजिट ले ली थी, ना पहले, तो हम माइनस का साइन बाहर लेंगे और सिंगल सिंगल डिजिट ले लेंगे, 2 इंटू और इसमें से 5, ठीक है, माइनस साइन वही रहा और हर एक सभी में से एक एक डिजिट हमने बाहर ले ली क्यूब रूट से, तो 2 5 जा 10, तो क्या आ गया इसका आंसर, माइनस 10। तो माइनस 1000 का क्यूब रूट कितना आ गया, माइनस का 10। कैसे निकाला था हमने, सबसे पहले बाहर माइनस कर लिया, बाहर माइनस करने का क्यूब रूट का साइन लगाया 1000। अब ये सिंपल रह गया हमारा, माइनस को हटा भी सकते हैं, ऐसे छुपा भी सकते हैं, और हमने फिर सिंपल इसका क्या निकाला, प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर निकालने के बाद हमने माइनस बाहर ही रखा, क्यूब रूट का साइन लगाया, सारे फैक्टर लिख दिए, सारे फैक्टर लिखने के बाद सभी का ट्रिपलेट बना दिया, सभी ट्रिपलेट बनाने के बाद उसको किस में लिख दिया हमने, पावर्स में, 2 पावर 3, 5 पावर 3, ठीक है। अब ये हमारा क्या हुआ, क्यूब रूट इसकी पावर से कैंसिल हो जाता है, तो इसलिए हम सिंपली हर ग्रुप में से एक एक डिजिट ले लेते हैं, तो यहां से भी सिंगल डिजिट ले ली 2 और यहां से ले लिया सिंगल डिजिट 5। अब हमने बाहर माइनस था तो माइनस रखा और इसको ब्रैकेट में कर लिया, 2 5 जा 10, तो ये माइनस का 10 क्या आ गया हमारा, क्यूब रूट। इस तरीके से हम माइनस वाले भी क्यूब रूट निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, अब ये मर्ज करने वाला आता है, ये है क्यूब रूट 125 इंटू 64, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें दोनों के अलग अलग कर लेंगे दोनों को, ये आ गया 3, ये हो गया क्यूब रूट का साइन है, ये क्यूब रूट 125 इंटू क्यूब रूट 64, ठीक है। अब पहले हम 125 के फैक्टर करते हैं, 125 के फैक्टर करें, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, ये तो हो गए 125 के। अब ये इसके फैक्टर लिख देते हैं 125 के, 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। अब हम निकालेंगे 64 के फैक्टर, तो 64 के 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो ये हमने क्या निकाल लिए, 64 के फैक्टर। अब 64 के फैक्टर निकाल के हमने इसमें लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने थे, 1 2 3 4 5 6, 6 थे, तो हमने 6 फैक्टर लिख दिए इसके, ठीक है। अब क्या बना लिया, ट्रिपलेट, ये भी ट्रिपलेट, ये ट्रिपलेट और ये ट्रिपलेट बना दिए ट्रिपलेट, और सभी में से क्या करेंगे, अब हम सिंगल सिंगल डिजिट निकाल लेंगे, ये तो आ गई 5 इसकी, और इस वाले ग्रुप में से कौन सा आया, 2
और इस वाले ग्रुप में से कौन सा आ गया, टू। ठीक है, चाहे तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं और चाहो तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। ठीक है, दोनों ही सही है, इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हर ग्रुप में से एक एक ले लेंगे। इसमें से तो 5 आ गया और यहां से क्या आ गया हमारा, इस वाले में से 2 और इस वाले ग्रुप में से भी क्या आ गया हमारा, 2। और हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20। तो ये हमारा आ गया इसका क्यूब रूट। किसका क्यूब रूट आया, ये 125 मल्टीप्लाई 64 का क्यूब रूट आ गया हमारा 20। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा 6। इसमें क्या करेंगे हम, इसमें ये तो थी मल्टीप्लाई का, ये क्यूब रूट है हमारा 216/343। ये डिवाइड में आ गया, ये तो मल्टीप्लाई में आया और ये हमारा आ गया डिवाइड में। तो इसमें भी सिंपल वही प्रोसेस है, दोनों के लिए अलग अलग लिख लेंगे 216 और इसको लिख देंगे क्यूब रूट 343। अब फैक्टर करेंगे 216 के, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ठीक है, और फिर किसके करेंगे फैक्टर, 343 के, तो 343 के किससे चले जाएंगे, 7 से, 7 4 जा 28, 7 9 जा 63, 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। ठीक है, ये हमने फैक्टर कर लिए। अब ये सारे फैक्टर हम इनके आगे लिखेंगे, ये आ गया 2 × 2 × 2, इसके ये रहे फैक्टर। ठीक है, और 3 × 3 × 3, इसके बाद फिर हमने फैक्टर लिखे 343 के, वो कौन से थे, 7 × 7 × 7, ट्रिपलेट बना लेंगे। अब क्या बनाएंगे, ट्रिपलेट, ये ट्रिपलेट, ये ट्रिपलेट और इसमें से ये ट्रिपलेट। ठीक है, तो जब हमने सभी का लिया ट्रिपलेट तो ये कितना आ गया, 2 पावर 3 और ये आ गया 3 पावर 3। नीचे लिखा हमने 7 पावर 3, तो हम क्या कर देंगे, सभी में से एक एक डिजिट ले लेंगे। इस वाले में से लिया तो ये 2 आ गया और इस 3 में से लिया तो ये 3 आ गया। ठीक है, और नीचे क्या आ गया, 7, तो 2 3 जा 6 और ये 7। तो इस तरीके से हमने डिवाइड वाला भी देख लिया, ऊपर मल्टीप्लाई वाला देख लिया था और नीचे कौन सा देख लिया, डिवाइड वाला। दोनों का प्रोसेस सेम है, बस इसको डिवाइड में लिख देंगे, इसको मल्टीप्लाई में लिख देंगे और सभी में से सिंगल सिंगल डिजिट निकालेंगे और उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।